नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो एक बार फिर से आप सभी का जो सपना है शिक्षक बनने का वो साकार होगा, क्योंकि DSSB ने जारी कर दिया है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की भर्ती और काफी अच्छे खासे पद आए हैं। इसके लिए क्या आहार्ता चाहिए, क्या इसका सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, इन सभी की संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। कितने पद हैं, क्या चाहिए आपको, तो जैसा आप थंबनेल में देखे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और 9/1/2024 से इसका ओपनिंग है और उसके बाद से क्लोजिंग जो है 7/2 को है। 9 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप होगा, 9 जनवरी से। और ये असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी में है, पेमेंट सैलरी सब बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। आप सभी को ये पूरा अच्छे से दिख रहा होगा, तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल अलग आया है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा फीमेल में, क्योंकि यहां मेल नहीं जा सकते, यहां फीमेल अलग है। और नेसेसरी असिस्टेंट टीचर नर्सरी ये अलग है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी अलग है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे यहां पर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में है और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में है। सीटों की संख्या देखते हैं, सबसे ज्यादा तो आपकी यहाँ फीमेल वालों के लिए है, तो भैया फीमेल वालों के लिए, महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जनरल आपकी यहाँ 81 सीट है और 21 है। टोटल ओवरऑल सीट की बात करें तो 1455 सीट आपकी असिस्टेंट टीचर नर्सरी की आई हुई है। तो जो लोग इसकी आहार्ता रखते हैं, आहार्ता क्या हो रहा है, सबसे बड़ी तो यही आप लोगों की जागरूकता है कि क्या DLED वाले BEd वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए मैं अभी बताता हूं कि क्या आप भर पाओगे या नहीं। तो ये पोस्ट के बारे में आपने देख लिया कि कितने पद आए हैं, अब हम लोग एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं कि इनका एजुकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो इसके लिए बहुत बड़ा ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, आप बस 12th पास रहें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट इट्स इक्विवेलेंट उसके, और 45% मार्क्स आपको चाहिए 12th में। अगर आप हैं तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम DLED किए हैं, हम तो भर सकते हैं। DLED जो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, और यहां पर जो डिप्लोमा मांगा गया है वो आपको किस में मांगा गया है, नर्सरी टीचर एजुकेशन में मांगा गया है। ये बहुत कम लोग दिल्ली के आसपास होते हैं, ये जो बच्चे होंगे चाहे पहले जो किए होंगे, ये 2 साल का होता है, इससे कम वाला नहीं चलेगा। और एक BEd नर्सरी होता है और एक BLED होता है, तो BEd नर्सरी जो किया होगा वो आपका एलिजिबल होगा, ठीक है। बाकी जनरल BEd तो जानते हो PRT से बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर कैसे होगा नर्सरी के, तो यहां पर BEd नर्सरी और जो आपका ये डिप्लोमा जो आपका होता है नर्सरी में, ना कि एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो BEd बाकी जनरल और DLED जनरल वाले एलिजिबल नहीं है, है ना। और उसके बाद से एक बोला भी, ये भी गया है कि आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मस्ट हैव पास हिंदी एट ए सेकेंडरी लेवल। हिंदी में आपको पास होना जरूरी है, हिंदी में आपका कोई कंप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सैलरी क्या मिलेगी अगर नर्सरी वालों को पढ़ाना है, तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी है इसमें, ये ध्यान रखिए 35,400 ये आपका बेसिक है, बेसिक में 46% DA जोड़ लो, बहुत जबरदस्त आपकी सैलरी बनेगी यहाँ पर, अच्छा खासा 6 लेवल का है, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड, ये ध्यान रखिए ग्रुप बी लेवल की सैलरी आपको दी जा रही है नर्सरी में। तो सैलरी आपकी ठीक ठाक है, एज आपके 30 साल है मैक्सिमम, बाकी जो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और जो मैंने बताया कि SC ST दिल्ली को छोड़ के अदर, जो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उनका सर्टिफिकेट चलेगा, उन्हें भी एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है वो मिलेगा। लेकिन OBC जो कैंडिडेट होंगे, वो OBC कैंडिडेट को सिर्फ जो दिल्ली का कैंडिडेट होगा उन्हें ही रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC अदर स्टेट को नहीं मिलेगा, सिर्फ दिल्ली वालों को मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एज लिमिट के बारे में आपको मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा यहां पर जिक्र कर लेते हैं, सबका वही क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा अलग अलग डिपार्टमेंट का। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि आपका सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में क्या आपसे पूछेगा,
तो एग्जाम और सिलेबस की अगर बात करें तो यहां पर आपको दिया गया है कि एग्जाम कैसा होगा इसका। 2 घंटे का एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिएगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स। इसमें आपका एक टीचिंग से रिलेटेड होगा 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन आपका जनरल होगा, ये ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन आपका जनरल होगा जिसमें आपको जीएस पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपका मैथ रहेगा, 20 आपका हिंदी रहेगा और 20 ही आपका इंग्लिश रहेगा। तो टोटल ये 5 आपके सेक्शन होंगे, 100 क्वेश्चन आपके ये जनरल आपका सब्जेक्ट बोला जाए वो रहेगा, और दूसरा जो पार्ट होगा सेक्शन बी जो होगा वो आपका बोला है 1 मार्क्स ऑफ इच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न, कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखिएगा यहां पर। और इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी होगी जो आप पढ़ते हो बीएड डीएलएड में, और जो डिप्लोमा होता है उसमें आप पढ़ते होगे, है ना, वही चीजें आपको यहां पर काम आएंगी, वही पूछा जाएगा। तो इसका पेपर आप लोग प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये जो सिलेबस है, अब आपको मेन है कि जल्दी DSSSB सिलेबस खोल के नहीं देता है, तो जो आपको 100 क्वेश्चन आपकी टीचिंग वाला पूछेगा वहां साफ साफ लिख दिया है टीचिंग मेथडोलॉजी, मतलब टीचिंग से रिलेटेड जितनी पेडागॉजी वाला पार्ट आता है वो सब आपको पढ़ना है। तैयारी आपको कहां से करना है, तो तैयारी करने के लिए टीम परीक्षा प्लस इसका कोर्स चला रही थी। सेम सिलेबस है आपका, उस कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करेंगे या live.parikshaplus.org पर जब जाएंगे तो वहां DSSSB का एक बैच है, हम उसको आप लोगों के लिए एकदम सबसे न्यूनतम प्राइस में कर देंगे। ये मात्र जो आएगा इसका प्राइस मैं आपसे बताऊं, 399 का ये प्राइस रहेगा इसका। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो DSSB का बैच है ये आपको पूरा का पूरा, हाँ, DSSB नर्सरी टीचर वाला जो है ये आपको 399 में आपको दोनों पार्ट मिल जाएगा, सेक्शन ए भी मिल जाएगा और सेक्शन बी भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास होगा इसमें, लाइव क्लास नहीं होगी। यहां पे जो भी क्लास होगी रिकॉर्डेड क्लास आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी की मिलेगी 399 में, और संपूर्ण नोट्स रहेंगे उसके, PDF रहेगा उसे करा सकते हो, और लाइव में आपकी जो होंगी जो सेक्शन ए का पार्ट है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लाइव में इसका हम प्रैक्टिस करा देंगे जब आपका एग्जाम आएगा, ठीक है। तो जिन्हें भी इनरोल्ड करना है वो आप 9450060007 और 9129 पे कॉल कर सकते हैं, 9129 69 70 80 पे कॉल करके इस बैच का डिटेल ले सकते हैं। परीक्षा प्लस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां आप जाएंगे DSSB आपका नर्सरी असिस्टेंट नर्सरी टीचर का जो है ये बैच बना होगा, वहां से आप परचेस करके जुड़ सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास है, 399 की एक क्लास है, ठीक है। तो जिन्हें भी तैयारी करना है वहां से तैयारी कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है, जितने भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीजें हैं वो मैंने अलग से एक वीडियो में बना दिया है, किसे कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो सब मैंने आपको बता दिया है कि DSSB कैसे रिलैक्सेशन देती है। तो SC ST वालों के लिए, चाहे वो किसी स्टेट से हो, चाहे दिल्ली से हो या दिल्ली के बाहर के हो, उन्हें वो जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो OBC कैंडिडेट काफी पूछते रहते हैं क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो OBC सिर्फ आपके जो दिल्ली के हैं उन्हीं को मिलेगा, आउटसाइड दिल्ली वालों को नहीं अलाउ किया गया है। तो ये ध्यान रखिए, जो भी इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रखते हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 9 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।